नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सफरिंग मसल का प्रयोग किन किन रोगों में किया जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं डॉक्टर सुनीता आपका लिव हेल्थ चैनल में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाने पर या फिर घाव हो जाने पर या पेशाब के साथ मवाद आने पर 500 mg विरोचा सक को मिलाकर गोखरू के पानी के साथ देने से चमत्कारिक लाभ मिलता है। मुंह में छाले होने पर या घाव होने पर एवं टॉन्सिल बढ़ने पर एक ग्लास गर्म पानी में 1 ग्राम सफटिक भस्म घोलकर गरारे करने से बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलता है। दूषित वर्णों या घाव में नीम के गाढ़े में 1 ग्राम सफटिक भस्म मिलाकर घाव को धोने पर और उसके बाद में उस पर मेडिसिन लगाने से घाव बहुत ही जल्दी भर जाते हैं। या फिर त्रिफला के गाढ़े में 1 ग्राम सफटिक भस्म डालकर घाव को धोने से और उसके बाद में उस पर मेडिसिन लगाने से बहुत ही जल्दी घाव भर जाते हैं। बच्चों की हूपिंग कफ यानी कि कुक्कुर खांसी में परवार पिस्ती और चंद्र अमृत रस के साथ में सफटिक भस्म मिलाकर देने से बच्चों की उल्टी और खांसी में बहुत ही अद्भुत फायदा होता है। आंखों की लाली हो या फिर आंखों से पानी गिरता हो या चोट लगने पर खून जम जाने से इस भस्म का उपयोग 125 mg गुलाब जल में डालकर दिन में 2 से 3 बार आंखों में डालने से बहुत ही ज़्यादा अद्भुत फायदा होता है और इससे आंखों की रोशनी में भी फायदा मिलता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।